मैं अपने उद्देश्य के लिए वक्रेश्वर गया, तब मेरी मुलाकात वक्रेश्वर की भैरवी से हुई जो एक चाय वाली थी। तो चलिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानी सुनी होगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की यह कहानी सुनकर आपको तंत्र विद्या का भरपूर ज्ञान मिलने वाला है। उसके लिए आपको यह कहानी पूरी सुननी पड़ेगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे आपकी और हमारे बीच नोटिफिकेशन के द्वारा नजदीकियां बढ़ जाएंगी। जब मैं अपर इंडिया एक्सप्रेस के प्रथम श्रेणी के कंपार्टमेंट का गेट खोलकर रामपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उतरा तो सवेरा होने वाला था। उस समय न जाने कैसी उदासी बिखरी हुई थी स्टेशन के वातावरण में। जो चार पांच लोग गाड़ी से उतरे थे वे न जाने कहां गायब हो गए थे उस उदासी में। कंधे पर बैग लटकाए, हाथ में अटैची लिए, जब स्टेशन के बाहर निकला तो देखा सामने झोपड़ी जैसी एक चाय की दुकान थी। एक 15-16 साल की काली कलूटी लड़की दोनों पैर मोड़कर चाय बना रही थी दुकान में। चाय पीनी थी मुझे, एक चाय दोगी, मैंने लड़की से कहा। लड़की ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और एक बार मेरी ओर देखा गहरी नजरों से और फिर केतली से। चाय कप में उड़ेल कर धीरे से मुझे कप थमा दिया उसने। बोली कुछ नहीं। न जाने क्यों लड़की की ओर आ पलक निहारने लगा मैं चाय पीते समय। रंग अवश्य काला था लड़की का, लेकिन चेहरे पर लावण्य था और था एक विशेष प्रकार का आकर्षण भी। उसकी आंखें भी बड़ी बड़ी थीं, पर वह भी सहज न थीं। कोई रहस्य भरा था वहां। चाय पीकर जब मैं पैसे देने लगा तो लड़की सिर झुकाए ही धीरे से बोली, मां तारा का दर्शन करने आए हैं बाबूजी। लड़की का स्वर बड़ा कोमल था और था स्निग्ध भी। उसका पूछना बड़ा अच्छा लगा मुझे। सिर हिलाकर मैंने कहा हां, और फिर न जाने क्यों पूछ बैठा, तुम्हारा नाम क्या है? यह सुनकर लड़की थोड़ी लजाई, फिर पहले ही की तरह कोमल और स्निग्ध स्वर में बोली, श्यामा। फिर थोड़ा रुक कर वह बोली, मेरा रंग काला है ना, शायद इसीलिए मेरे मां बाप ने मेरा नाम श्यामा रख दिया। फिर न जाने क्यों उदास हो गया उसका चेहरा। श्यामा नाम उसे अच्छा ना लगता होगा, इसीलिए हो सकता है उदास हो गई होगी वह, मैंने सोचा। श्यामा तो बहुत अच्छा और बहुत सुंदर नाम है, मां तारा का भी एक नाम श्यामा है, प्रसन्न होना चाहिए तुमको। ये सुनकर थोड़ी हंसी श्यामा। अब तक दो तीन और आ गए थे ग्राहक, उनके लिए चाय बनाने में लग गई। जब मैं चलने लगा तो पलटकर देखा मेरी और एक बार उसने। उस क्षण उसकी बड़ी बड़ी झील जैसी गहरी आंखों में कौन सा भाव था समझ न सका। रामपुर से तारापीठ के लिए एक कच्ची सड़क गई थी। किसी प्रकार एक तांगा वाला तैयार हुआ तारापीठ जाने के लिए। सड़क के दोनों ओर धान के खेत थे कुछ दूर तक, उसके बाद चारों ओर मैदान ही मैदान थे, उजाड़ और धूसर। फिर छोटी छोटी झोपड़ियों का शुरू हुआ सिलसिला। उन्हीं झोपड़ियों में कुछ दुकानें भी थीं, जिनके सामने लकड़ी की बेंचें पड़ी थीं, जिन पर बैठकर लोग चाय पी रहे थे, मिठाइयां खा रहे थे और सिगरेट बीड़ी पी रहे थे। मक्खियां सभी जगह भिन भिना रही थीं। संकरी हो गई थी वहां सड़क, कुत्तों की संख्या भी काफी थी। बीच बीच में झाड़ियां और जंगली पेड़ भी थे, जिनके पास छोटे बड़े मंदिर भी बने थे। शवसाधिका नागगंधा पूरे रास्ते सोचता रहा मैं नागगंधा के विषय में। स्वर्णा ने बतलाया था कि पहले असम में ब्रह्मपुत्र के किसी श्मशान में रहती थी नागगंधा, अब इस समय रहती है तारापीठ के वक्रेश्वर महाश्मशान में। फिर गूंजने लगे एक एक शब्द स्वर्णा के मेरे मस्तिष्क में, शवसाधिका है नागगंधा। शवसाधना के द्वारा कई अमोघ और दुर्दश तांत्रिक सिद्धियां उपलब्ध हैं उस महाभैरवी को, जिनकी सहायता से असंभव कार्य कर सकने में समर्थ है वह। तंत्र की 64 विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है धूमावती विद्या, और वह सर्वश्रेष्ठ महाविद्या भी उस साधिका को सिद्ध है, और जिसकी सहायता से इच्छानुसार कोई भी रूप तत्काल धारण कर सकती है नागगंधा। यहां तक कि किसी भी पशु पक्षी के रूप में भी अपने आप को परिवर्तित कर सकने में समर्थ है वह धूमावती विद्या के बल पर। एकाएक तंद्रा भंग हुई मेरी। सामने एक मोड़ था और उस मोड़ के बाद एक नदी थी जो उस समय सूखी हुई थी। नाम था दामोदर नदी, जिस पर एक पुल था और जिसके पार था मां तारा का क्षेत्र।
वशिष्ठ के समय का था वह महाश्मशान, जो काफी दूर तक फैला हुआ था और जिसके वातावरण में यमलोक की सारी खिन्नता भरी उदासी बिखरी हुई थी चारों ओर वातावरण में। और उस उदासी को भंग करता हुआ बोल हरि हरि बोल और राम राम सत्य है का शब्द गूंज उठता था कभी कभी। न जाने कैसा हो गया मन, चारों ओर जल रही थीं चिताएं और उनमें से उठने वाली लाल पीली लपटें हाहाकार कर रही थीं वायुमंडल में। मैंने देखा उस महाश्मशान के क्षेत्र में कई पंचमुंडी आसन थे, कई नवमुंडी आसन थे, जिन पर बैठकर साधक गण साधना कर रहे थे ध्यानस्थ होकर तांत्रिक सिद्ध लाभ के लिए। मेरी आंखें उन लोगों में खोज रही थीं नागगंधा को। अंत में निराश होना पड़ा, दिन ढलने लगा था, कुछ चिताएं बुझकर राख में बदल चुकी थीं, कुछ जलने की तैयारी कर रही थीं और कुछ धू धू कर जल रही थीं। उन चिताओं के बीच से निकलता हुआ मंदिर की ओर बढ़ने लगा मैं। शमशान में इधर उधर घूमती हुई कई रक्त वस्त्र धारिणी भैरवियों को भी देखा मैंने। सोचा उन अर्धनग्न और मुक्त केशी भैरवियों में कोई नागगंधा भी हो सकती है, लेकिन नहीं, नागगंधा का जो व्यक्तित्व मेरे मानसपटल पर अंकित था वह कुछ और ही था। थोड़ा आगे बढ़ने पर चिता साधना करते हुए चार पांच साधक दिखलाई दिए। वे हड्डिया में पके हुए मांस खा रहे थे, मानव खोपड़ी में पी रहे थे मदिरा। मां के मंदिर से हटकर कई स्थानों पर पशु बलि भी हो रही थी, चारों ओर खून ही खून फैल रहा था। सब कुछ देखकर मन न जाने कैसा होने लगा मेरा। तमोगुणी तंत्र साधना का क्या यही स्वरूप है? यदि यही स्वरूप है तो इससे आंतरिक लाभ क्या है? कौन सी आध्यात्मिक उपलब्धि होती है साधक की आत्मा को? मन ही मन सोचने लगा, मैं कहां ठहरूंगा और रात कहां व्यतीत करूंगा, इसका निर्णय करना था मुझे। सांझ घिर आई थी वक्रेश्वर के महाशमशान में। चित्त जैसे घबराने लगा था मेरा न जाने क्यों। मां के मंदिर के निकट एक पक्की दालान थी जो धर्मशाला कहलाती थी। उसे देखकर मेरे मन को कुछ ठंडक मिली। दालान साफ सुथरी थी, पीछे की ओर छोटे छोटे बहुत से कमरे थे। यात्रियों का आवागमन कम था इसलिए एक कमरा मिल गया मुझे आसानी से। मन को शांति मिली। झोला और अटैची रखकर और कपड़े बदलकर मंदिर की ओर चला गया मैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए बहुत सी विशाल सीढ़ियां चढ़नी पड़ी मुझे। उसके बाद बड़ा सा पक्का चबूतरा था और था नाट मंदिर, उसके सामने था मां का मंदिर। धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर मां की मूर्ति के सामने जा खड़ा हुआ मैं। और भी दर्शक थे पर भीड़ नहीं थी। भवतारिणी की यही वह अद्भुत मूर्ति थी जिसके संबंध में और जिसके विषय में बहुत कुछ सुना था और पढ़ा था, बहुत कुछ। सब कुछ अलौकिक सा लगा था मुझे उस समय। सोने से मढ़ी हुई मुक्त केशी और पाषाण आसन पर विराजमान मां महामाया तारा का मुख बड़ा ही अद्भुत और भव्य लगा मुझे। लगा जैसे मेरी ओर देखकर हंस रही है मां, और उस हंसी में एक अद्भुत स्नेह झर रहा है गल गल कर। तारिणी तरला तन्वी तरुण वल्लरी, तीव्र रूपा तनुश्यामा तनक्षीण पयोधरा। एक भक्त हाथ जोड़े सुंदर और स्पष्ट शब्दों में स्तुति कर रहा था मां की, जिसे सुनकर अच्छा लगा मुझे। तुरिया तरला तीव्र गमनानल वाहिनी, उग्रतारा जया चंडी श्रीमदे जटाशिवा। स्वर के साथ देवी का यह वर्णन अवश्य नहीं मिल रहा था, मगर मन के अंदर यह नीलवाहिनी का रूप ही आकार ले रहा था। धीरे धीरे फर्श पर बैठ गया मैं। दोनों हाथ जोड़कर मां के मुख को आपलक निहारने लगा मैं एकाग्र चित्त होकर। तरुणा शांभवी छिन्नमाला चभद्रतारिणी, उग्रा उग्र प्रभा नीला कृष्णा नील सरस्वती। दोनों हाथ जोड़े पाषाणवत बैठा था मैं। आंसू झरझर कर गिर रहे थे गालों पर आंखों से निकलकर। मुझे अपनी ही सुधि नहीं थी उस समय। अट्टहास्या करालास्या व्रास्या दिति पूजिता, सगुणा सगुणा राध्या हर इंद्रदेव पूजिता। शब्द अंतर के किस गुहा गह्वर में प्रवेश कर रहे थे सो मैं नहीं जानता था। खाली एक नीरव आलोड़न का अनुभव कर रहा था मैं। पद्ममाला च पद्माक्षी कामाख्या गिरिनंदनी, दक्षिणा चैव दक्षा च दक्षता दक्षिणे रता। कुछ बोल नहीं पा रहा था मैं, पर मेरे मन से एक आकुल प्रार्थना उठ रही थी। मां, मैं पूजा नहीं जानता, प्रार्थना नहीं जानता, स्तुति भी नहीं जानता, तुम्हारी महिमा से भी अपरिचित हूं मैं। वक्रेश्वर क्यों आया हूं मैं सो तुम जानती हो। तुम्हारी क्या इच्छा है वो भी तुम्ही जानती हो। मैं कौन सा उद्देश्य लेकर आपके चरणों में अर्पित हुआ हूं इससे भी तुम भली भांति परिचित हो। वज्रपुष्प प्रिया रक्त प्रिया कुसुम भूषिता, माहेश्वरी महादेव प्रिया पद्म
विभूषिता, कितनी देर तक इसी तरह बैठा रहा मैं नहीं जानता। फिर मैं धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ। दर्शन करने आए लोग घूम घूम कर मुझे देख रहे थे। वे मानो समझ रहे थे कि माँ के पास कोई गहरी वेदना, कोई गहरी पीड़ा और कोई गहरी व्यथा समर्पण करने ये सज्जन आए हैं, और उस वेदना को, पीड़ा को और व्यथा को वे जानने समझने की चेष्टा कर रहे थे संभवतः। नाट मंदिर के पास वाली सीढ़ी से उतरने के लिए पैर बढ़ाया मैंने। अचानक पैर थम गए अपने स्थान पर, जड़वत हो गए जैसे। देखा सामने सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर आ रही थी श्यामा, चाय बनाने वाली श्यामा। उसे देखकर घोर आश्चर्य हुआ मुझे, यहां कैसे? उसके हाथ में जवा पुष्प के फूल थे। सोचा दर्शन करने आई होगी माँ का। मुझे देखकर मुस्कराई। वह बोली, कुछ नहीं, ऊपर चढ़ती आई और मंदिर के भीतर चली गई। फिर वहां काफी देर तक खड़ा रहा और श्यामा की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन व्यर्थ। लगा मानो मंदिर के भीतर ही समा गई हो वह। मन नहीं माना, स्वयं मंदिर के भीतर गया और फिर चारों तरफ खोजा उसे, लेकिन कहीं नहीं दिखाई दी वह षोडशी बाला। रहस्यमय लग रहा था सब कुछ। रात अधिक हो गई थी। कमरे में आकर तख्त पर लेट गया मैं। बार बार श्यामा का चेहरा उभर आता था मानस पटल पर। इस प्रकार गायब हो जाने का रहस्य मेरी समझ में नहीं आ रहा था। न जाने कब और किस समय सो गया मैं। अचानक पायल की मधुर आवाज से नींद खुल गई मेरी। उठकर बैठ गया मैं। फिर तेजी से पलट कर देखा, एक मझोले कद की सांवली युवती की पीठ मेरी ओर थी। उसके श्यामल काया पर गेरुए रंग की रेशमी साड़ी थी। उसके लंबे घने बाल खुलकर कमर तक बिखरे हुए थे। एकाएक पलट कर युवती ने मेरी ओर देखा। उसका चेहरा देखकर घोर आश्चर्य हुआ मुझे। श्यामा से बिल्कुल मिलता झुलता लगा मुझे उस अज्ञात युवती का चेहरा। उसके चेहरे पर विशेष प्रकार की चमक थी। झील जैसी गहरी आंखों में एक अजीब सा सम्मोहन था। साड़ी के आवरण को भेदकर बाहर निकल आने के लिए व्याकुल उरोज युगल। मुंह में पान दबाए हुए होठों पर एक मुस्कराहट बिखर गई। मेरी आंखों में उतरती हुई वह मुस्कराहट रग रग में बिखरती जा रही थी जैसे, और उसी के साथ एक अजीब सी बेचैनी पकड़ती जा रही थी मेरे मस्तिष्क को। तनावग्रस्त हो गया था मेरा सारा शरीर। विचित्र स्थिति हो गई मेरे तन मन की। सोचा उस सम्मोहक निमंत्रण को स्वीकार कर लूं दोनों हाथ फैलाकर। पान रंगे होठों की मुस्कराहट शायद मेरे उद्देश्य को भांप गई थी। कुछ ऐसा लगा कि सम्मोहन से भरी झिलमिल करती आंखें सहम सी गई हैं, पर उसमें अस्वीकृति का कोई संकेत नहीं उभरा था और भय की छाया भी नहीं फैली थी। उन्नत उरोज, सम्मोहक आंखें और रस भरी मुस्कराहट मेरी उत्तेजना को बढ़ा रही थीं। वासना और भावना का एक अपूर्व सा अंतर्द्वंद्व छिड़ गया था मेरे मानस में। वह रहस्यमयी युवती, अब वह रहस्यमयी युवती मेरे बिल्कुल करीब सट कर खड़ी हो गई। उस समय उसके निश्चल चेहरे पर प्रेम के सागर छलक रहे थे और उसकी बड़ी बड़ी कजरारी आंखों से झर रहा था अमृत निर्जर। अपनी मूक भाषा में क्या कहना चाहती थी उसकी आंखें मेरी समझ में नहीं आया उस समय। कुछ देर खड़ी रहने के बाद धीरे धीरे चलकर कमरे के बाहर निकल गई वह रहस्यमय युवती, और उसी के साथ मेरा मोह भी भंग हो गया एक बार की। मंदिर में माह की आरती पूजा हो रही थी भोर की। शंख घंटे की ध्वनि गूंज रही थी वातावरण में। मैंने तुरंत स्नान किया, कपड़े बदले और मां का दर्शन करने के लिए मंदिर की ओर चल पड़ा मैं। बड़ी अद्भुत छवि थी मां महामाया की उस समय। न जाने कब तक दोनों हाथ जोड़े ध्यानस्थ खड़ा रहा मैं मां की मूर्ति के सामने भैरवी। और जब वापस लौटा तो देखा नाट मंदिर के सामने मोटे खंभे की टेक लगाकर कंबल के आसन पर एक भैरवी बैठी थी। भैरवी का चेहरा देखकर कपकपा सा गया मैं। श्यामा और रात वाली रहस्यमय युवती के चेहरे से मिलता झुलता सा लगा मुझे उस भैरवी का चेहरा। हे भगवान, कौन सी लीला है ये। कसकर लपेटी हुई थी लाल रंग की साड़ी। शरीर का ऊपरी भाग एक प्रकार से अनावृत था। बड़े बड़े पुष्ट स्तन स्पष्ट दिखलाई दे रहे थे। दोनों बाहों पर, माथे पर और गले में भस्म की पतली रेखा, माथे पर गोल सिंदूर का टीका, बड़ी बड़ी फांक जैसी आंखें, कुछ कुछ रक्ताब, गले में मोटी सी रुद्राक्ष की माला जिसमें उलझी हुई थी स्फटिक, और लाल मूंगे की माला भी। दोनों हाथों की कलाइयों में शंख के वलय। शरीर का रंग काला, मुंह का नक्शा सुंदर और आकर्षक, मगर खूब स्थिर और कठोर। मेरुदंड को सीधा किए तन कर बैठी हुई थी वह भैरवी। पास ही एक लंबा सा चमचमाता हुआ त्रिशूल रखा था।
सुडोल और तगड़ा शरीर था उसका। बैठने पर भी लंबी लग रही थी वह। उम्र 35 से 40 तक की होगी, मगर मुंह की ओर देखकर उम्र की बात याद नहीं आती थी। भैरवी की बड़ी बड़ी काली आंखों की अपलक दृष्टि के एक अव्यर्थ आघात से ठिठक कर खड़ा हो गया मैं। उस दृष्टि को देखते ही मुझे लगा कि वह काफी देर से मेरी ओर स्थिर होकर लगी हुई थी। अब आंखें मिलते ही मानो हठात मेरा सारा शरीर बेबस और पंगु हो गया था। ऐसी बेधने वाली तीक्ष्ण और स्थिर दृष्टि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मुझे लगा कि इन आंखों के द्वारा यह नारी किसी भी व्यक्ति को पास खींच ले सकती है, और उसके बाद बड़े इत्मीनान से पास रखा त्रिशूल उसके कलेजे में उतार दे सकती है। विमूढ़ होकर ताकता रहा मैं। दूसरी ओर मैं अपना मुंह घुमा न सका और न तो हिलडुल ही सका। खूब धीरे धीरे भैरवी की पलकें एक बार गिरीं, पुकार कर या इशारे से नहीं, बल्कि पलकें गिराकर ही उसने मुझे मानो अपने निकट बुलाया। एक बार पलकें गिरती देखकर मेरा भी होश जैसे लौट आया। तुरंत संभल गया मैं। जल्दी जल्दी पैर बढ़ाकर कुछ सीढ़ियां उतरकर चबूतरे पर से सिंहद्वार की ओर तेजी से चल पड़ा मैं। सिंहद्वार के बाहर आकर लंबी सांस ली मैंने। कलेजा अब भी धड़क रहा था मेरा। वहां खड़े खड़े मैंने घूमकर एक बार नाट मंदिर की ओर देखा, और देखते ही फिर एक बार वहीं झटका लगा मुझे। भैरवी स्थिर दृष्टि से मेरी ओर ही अपलक देख रही थी। उस दृष्टि में क्रोध का आभास था। मैं जहां भी जाऊं, जितनी भी दूर जाऊं, मानो वह इच्छा करे तो मेरा बहुत कुछ सर्वनाश कर सकती है। मैं क्षण भर भी नहीं रुका, झटपट सीढ़ियां उतरकर नीचे श्मशान की ओर जाने वाले मार्ग पर आ गया। शांति की लंबी सांस ली मैंने। ऐसा अनुभव जीवन में कभी नहीं हुआ था मुझे। इधर उधर टहलता रहा मैं, जिससे जो भय की छाया थी वह हट गई। मगर संध्या के समय मंदिर के सामने आकर खड़े होते ही फिर वही बेचैनी होने लगी। उसे मन के जोर से दूर हटाकर सीढ़ियां चढ़ने लगा मैं। मंदिर में तो जाना ही पड़ेगा। सिंहद्वार पार कर फिर ठिठका मैं, फिर निश्चिंत हो गया। नाट मंदिर की वह जगह खाली थी। मंदिर में आरती हो रही थी। मां एलोकेशी के सोने से दमकते मुखमंडल की ओर अपलक निहारता रहा मैं दोनों हाथ जोड़कर। लगा जैसे मां हंस रही हैं, और उस हंसी में एक अद्भुत स्नेह गल गल कर झर रहा था। मैं मन ही मन मां से कह रहा था, मां तुम अंतर्यामी हो, जिस उद्देश्य को लेकर वक्रेश्वर आया हूं उसे पूरी कर दो मां महामाया। तंत्र पथ अतिकंठ का कीर्ण है, उस पथ पर चलना सभी के बस की बात नहीं है। मैं तो चल पड़ा इस पथ पर खोज की दृष्टि से। मुझे अपनी खोज में सफलता चाहिए मां एलोकेशी, लेकिन तुम्हारी अनुकंपा के बिना यह संभव नहीं दिखता मुझे। अब मन काफी शांत था, चित्त में भी स्थिरता थी। नाट मंदिर में भैरवी को देख करके भी परवाह नहीं की मैंने। एक बार घूमकर भी उसकी ओर नहीं देखा। दर्शन और प्रार्थना समाप्त करके चला आया। दूसरे दिन अपराह्न में श्मशान में घूमने की इच्छा न जाने क्यों जागृत हो गई। देखा हर वृक्ष के नीचे नर कंकालों की हड्डियां और खोपड़ियां थोड़ी बहुत पड़ी हुई थीं। शवों के गद्दे तकिए भी काफी संख्या में थे। बगल में हाहाकार करती हुई दो तीन चिताएं जल रही थीं, जिनके निकट दो भैरवियां आसन लगाकर चिता साधना कर रही थीं। दोनों की आयु बहुत ही कम थी, बस यही 20-25 के लगभग। दोनों के चेहरे पर तेज था। कुछ दूर पर एक तांत्रिक बैठा कुल्हड़ में मदिरापान कर रहा था, और बीच बीच में उन दोनों भैरवियों को तीक्ष्ण दृष्टि से देख भी लेता था वह। उसकी आयु भी कम थी, शरीर से मजबूत और स्वस्थ था वह तांत्रिक। समझते देर न लगी, तन्मय होकर चिता साधना करने वाली उन दोनों भैरवियों का निश्चय ही गुरु था वह, इसमें संदेह नहीं। चिता साधना कभी किसी से सुना था कि चिता में जलने वाले शव की मृतात्माएं अपनी चिता के आसपास मडराती रहती हैं, और जब तक उनका शरीर जलकर राख में बदल नहीं जाता तब तक वहां रहती हैं। वे और चिता साधक अपने मंत्र शक्ति तथा साथ ही अन्य तांत्रिक क्रियाओं की सहायता से मृतात्माओं को अपने अधिकार में करने का प्रयत्न करते हैं। तंत्र में इसी को चिता साधना कहते हैं। चिता साधक उन वशीभूत मृतात्माओं से अनेक प्रकार का सहयोग लेते हैं। काफी देर तक वहीं खड़ा खड़ा भैरवी की चिता साधना की तांत्रिक क्रियाओं को देखता रहा मैं। कभी कभी सिर घुमाकर उनके तांत्रिक गुरु की ओर भी देख लेता था, जो अभी भी बराबर मदिरापान करता जा रहा था और साथ ही साथ खाता जा रहा था मांस का टुकड़ा भी। ऐसे महाश्मशान की कल्पना
मैंने कभी नहीं की थी। मेरा दम घुटने लगा। वहां से हटकर सहसा सनहस्र मुंडी आसन के पक्के चबूतरे जाकर बैठ गया मैं। मन को शांति मिली। सहस्त्र मुंडी के पाषाण आसन पर बैठकर कितने योगी और कितने तंत्र साधक साधना कर चुके हैं, यह बात तारानाथ भट्टाचार्य ने बतलाई थी मुझे। यह भी बतलाया था कि सभी लोग वहां नहीं बैठ सकते। आसन पर बैठने के लिए मन का एकाग्र और स्थिर होना आवश्यक है। दिन रात के 16 घंटे जो सज्जन उस आसन पर व्यतीत करते थे और बीच बीच में तारा तारा कहकर हुंकार कर उठते थे, उनका नाम था भोलाराम बाबा। भोलाराम बाबा तंत्र मार्ग के साधक थे। गहरे लाल रंग का चोंगा बराबर पहने रहते थे। सारे मुंह पर काली काली दाढ़ी मूंछ भरी हुई थी। वैसे मिलनसार आदमी थे। नया आदमी देखते ही हर प्रकार की खोज खबर लेते थे। मेरे साथ भी बातचीत जमाने की चेष्टा की थी उन्होंने, पर चेष्टा व्यर्थ होने के बाद तारा मां के चिंतन में लग गए। सहस्त्र मुंडी पर थोड़ी देर बैठने के बाद मंदिर की ओर चल पड़ा मैं। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते ही सिंहद्वार के पास ही हाथ में लंबा भयानक त्रिशूल लिए भैरवी के सामने एकाएक पड़ गया मैं। लंबा शक्तिशाली डील डॉल था। गंभीरता के बावजूद काला चेहरा सुंदर ही लगा। पहले दिन की तरह दृष्टि उतनी अंतर्भेदी नहीं थी, फिर भी अपलक और कठोर अवश्य थी। एक तरफ हटकर निकलने के लिए उद्यत हुआ मैं। एकाएक कंठ स्वर सुनकर खड़ा हो गया ठिठक कर। इस कंठ स्वर में भी न जाने कैसी मोहनी शक्ति थी। किसी की खोज में आए हो या केवल मां का दर्शन करने? प्रश्न सुनकर मूक हो गया मैं एक बारगी। बोला न गया मुझसे कुछ। मेरी ओर स्थिर दृष्टि से देख रही थी भैरवी। उसकी दृष्टि पैनी होती जा रही थी। एकाएक स्वाभाविक होकर आगे बढ़ गया मैं। कलेजे में कपकपी हो रही थी उस समय। कैसी थी वह कपकपी समझ में नहीं आया। सीढ़ियां उतरकर जाते ही दाहिनी ओर सहस्र मुंडी का पाषाण आसन था। चारों ओर घना अंधकार बिखरा हुआ था। वातावरण स्तब्ध था। हवा की सरसराहट भी चौंका देती थी। चबूतरे पर चढ़कर आसन लगाकर बैठ गया मैं। किसी प्रकार का भय नहीं लगा मुझे। और भी 3-4 साधक बैठे हुए थे ध्यानस्थ। भोलाराम बाबा भी थे, मगर स्पष्ट किसी का चेहरा नहीं दिख रहा था। स्थिर होकर कुछ देर बैठने के बाद ही मेरा मन शांत होकर किसी अतल गहराई में डूब गया। वह एक विचित्र अनुभूति थी, एक अद्भुत शांति की अनुभूति। कौन गया उठकर और कौन आया, फिर इसका ध्यान नहीं रहा मुझे। समर्पण के एक नए प्रवाह में विभोर था मैं। मुझे पता नहीं कितना समय व्यतीत हो गया। 2-3 घंटे भी हो सकते हैं या इससे भी अधिक। अपने बिल्कुल समीप किसी के जोर से सांस लेने की आवाज सुनकर धीरे से आंखें खोलकर मैंने देखा। साथ ही मेरा रोम रोम सिहर उठा एक बारगी। केवल गजभर की दूरी पर दो जलती हुई आंखें मेरे चेहरे की ओर स्थिर होकर देख रही थीं। क्या वे मशाल की तरह जलती हुई किसी बाघिन की आंखें थीं? कांप उठा मैं। नहीं, ये किसी नारी की आंखें थीं। कब वह आई और बैठ गई थी इसका पता तक नहीं चला मुझे। उसका शरीर पत्थर की तरह निश्चल था। केवल आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं। सहस्र मुंडी पर तब एक भी आदमी नहीं था। भोलाराम बाबा भी नहीं थे। मेरा सारा शरीर निस्पंद अवश हो गया एक बार की। तारा मां, तारा। आसन के बगल में ही एक पेड़ के नीचे से भोलाराम बाबा का गंभीर स्वर तैरता हुआ आया और उसी क्षण मानो मुझे होश आया। शरीर की नस नस में एक बिजली सी दौड़ गई मानो। उठकर सीधा खड़ा हो गया मैं और उसके बाद अंधेरे में ही रास्ते की ओर चल पड़ा मैं। दूसरे दिन दोपहर का समय था। श्मशान की ओर न जाकर दूर नदी के किनारे जा रहा था मैं। नागगंधा के विषय में ही सोच रहा था उस समय। नदी की दूसरी ओर काफी दूर दूर तक खेत थे आलू के और ईख के। मजदूर खेतों में काम कर रहे थे। पूरा इलाका सुनसान और निर्जन था। 3 दिन आए हो गया था मुझे, नागगंधा से भेंट न हो सकी। हां, मां का अपूर्व दर्शन लाभ अवश्य हुआ मुझे। इससे मन को काफी शांति मिली थी, इसमें संदेह नहीं। मगर यहां भी एक बड़ा दैवयोग प्रतीक्षा कर रहा था मेरा। क्या इसकी कल्पना की थी मैंने? सामने ही एक पीपल के पेड़ की छाया में दोनों पैर फैलाए भैरवी बैठी थी। पास ही चमचमाता त्रिशूल जमीन में गड़कर खड़ा था, जिसके ऊपर एक मानव खोपड़ी टंगी थी। त्रिशूल के नीचे एक काले रंग की कुतिया बैठी भैरवी की ओर ताक रही थी। सामने 3 मिट्टी के पात्र भी रखे थे। मुझे पहले ही देख लिया था भैरवी ने। आंख से आंख मिलते ही वह तन कर पलथी मारकर बैठ गई।
और अपलक देखने लगी मेरी ओर। ठिठक कर खड़ा हो गया अपने स्थान पर मैं। सनसनाने लगा था मेरा पूरा शरीर। कई भैरवियों से मेरा सामना हुआ था, लेकिन ऐसी भैरवी से कभी नहीं। क्षण भर के लिए मुझे लगा कि दौड़कर भाग खड़े हों, मगर भैरवी की आंखों ने ही मानो रोक दिया मुझे। भैरवी ने मेरी ओर कुछ देर ताककर उंगली उठाकर अपने पास बुलाया मुझे। जाकर खड़ा हो गया मैं उसके सामने। बैठो। शांत और गंभीर थी भैरवी। उसके चितवन में गहरापन था पर तीक्ष्णता नहीं थी। तीन हाथ की दूरी पर बैठ गया मैं। मिट्टी का पात्र दिखाते हुए भैरवी ने पूछा, पियोगे? क्या है इसमें? कारणवारी यानी मदिरा। मैंने सिर हिलाकर कहा, नहीं। रमणी के होठों के बीच हल्की व्यंग की रेखा आई या नहीं पता नहीं चला। उसने हाथ बढ़ाकर मदिरा से भरा एक पात्र उठा लिया। उसके तरल पदार्थ का कुछ अंश बिना मुंह लगाए ऊपर से ही गले में डाल लिया। घूंट निगलने के साथ ही उसके सारे शरीर में मानो एक झंकार सी उठी। आंख और मुंह सिकोड़कर उसने वह झंकार शांत होने दी। रमणी के अंगों का सुप्त यौवन मानो एक बार हिलडुल कर स्थिर हो गया। एक लंबी सांस ली उसने। फिर उसने सामने न जाने कब से बैठी कुतिया की ओर देखा, जो उस समय ऊंघ रही थी। मेरा ध्यान उधर नहीं था उस समय, लेकिन जब मैंने कुतिया के स्थान पर एक सुंदर तरुणी को देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। एक बारगी कुतिया कहां गई? अभी अभी तो यही बैठी ऊंघ रही थी। यह युवती किधर से और कब आ गई? सबसे आश्चर्य की बात तो यह थी कि वह युवती न काली थी, न गोरी थी और न तो सांवले रंग की ही थी। उसके यौवन से भरपूर सुगठित शरीर का रंग हल्का नीला था। बाल काफी घने और काफी लंबे थे, जिसका रंग काला नहीं बल्कि भूरा था। उसकी आंखें भी बड़ी बड़ी और भूरी थीं। अलौकिक अनुभूति। मैं कुछ और सोचता समझता कि तभी भैरवी की आवाज कानों में पड़ी, उधर क्या देखता है? वह मेरी संगिनी है, मुझसे मिलने के लिए ऊपर से आई है। तू बता, कल रात आसन छोड़ इस तरह भाग क्यों गया? कुतिया को युवती के रूप में और वह भी विलक्षण रूप में परिवर्तित देखकर घबरा सा गया था। थोड़ा भयभीत भी हो गया था मैं। किसी प्रकार अपने आप को संभाला और फिर उल्टा प्रश्न किया, तुम मुझे कल से इस तरह भय क्यों दिखा रही हो? भैरवी के मुख पर अति सूक्ष्म हंसी की रेखा दिखाई दी, जो किसी भी पुरुष को अपने जादू में बांधने में सक्षम थी। तुम डर क्यों रहे हो? जिस उद्देश्य से यहां आया था वह पूरा नहीं हो पा रहा है, मैंने धीरे से कहा। क्या उद्देश्य है? कोई उत्तर नहीं दिया मैंने, मौन रहा। उत्तर न पाकर भैरवी की लाल लाल आंखों ने एक बार मेरे मुंह पर चक्कर काटा। बोली, क्या विघ्न हो रहा है? मैंने इस बार भी कोई उत्तर नहीं दिया। भैरवी ने फिर पात्र उठाया, तरल पदार्थ गले के नीचे उतारा, शरीर में फिर उठी झंकार। फिर बोली, तुम्हारी आयु कितनी है? मैंने इस बार उत्तर दिया, 30 के आसपास है। मेरी बात सुनकर उसकी जांच के लिए भैरवी ने मानो मुझको एक बार नीचे से ऊपर तक देखा। मेरी 45 के ऊपर है, अब तेरा भय कुछ कम हुआ, वह बोली। उसकी आंखों में कौतुक की छटा थी। मुझे मानो विश्वास नहीं हुआ। विश्वास करना और भी कठिन था, क्योंकि दूसरा पात्र एक ही बार में गले से उतर कर खाली हो गया और भैरवी के शरीर में फिर एक बार झंकार उठी। उसकी आयु जो भी हो, मेरा भय कम होने के बजाय बढ़ा ही। कहां रहते हो? दूसरी तरह का प्रश्न था और स्वर भी दूसरी तरह का। वाराणसी। घर में कौन कौन है? माता पिता हैं, दो भाई हैं, कोई बहन नहीं है, और मैं हूं बस। शादी हुई है? नहीं, शादी नहीं की मैंने। क्यों? इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। न जाने कैसे एक अनुभूति के आवेग में निष्कपट होकर सब कुछ बतला दिया मैंने। भैरवी ने स्थिर होकर सब सुना। उसके बाद भी वह नीरव निश्चल रही, लेकिन दृष्टि मानो बहुत दूर कहीं चली गई थी। उसी स्थिति में अपना हाथ आगे बढ़ाकर तीसरा पात्र भी उठा लिया और उसमें भरा हुआ सारा तरल पदार्थ गले के नीचे उतार लिया। मगर इस बार पहले की तरह झंकार नहीं उठी। मैं स्तब्ध सा बैठा रहा भैरवी के सामने। मेरे पीछे वह रहस्यमयी युवती भी बैठी हुई थी। भैरवी ने खाली पात्र नीचे रखा, हाथ की उलटी तरफ से मुंह पोंछते पोंछते उसने मेरी ओर देखा। क्षण भर में ही दृष्टि बदल गई थी। दोनों आंखों से मानो आग निकल रही थी। फिर एकाएक गरज उठी भैरवी, दूर हो जा, दूर हो जाओ यहां से, दूर हो जा। घबरा कर उठ आया मैं। एकाएक क्या हो गया भैरवी को समझ में नहीं आया। मेरा बाह्य ज्ञान मानो लुप्त हो गया था। रास्ते में चलते चलते होश आया मुझे। थोड़ा आगे बढ़ने पर भोलाराम बाबा दिखलाई दिए। एक घने पेड़ के नीचे खड़े थे वह। पास आने पर हंसते हुए बोले, भैरवी तो दिन में ही कारणपान कर रही है,
तुम्हारी उससे क्या बातें हो रही थीं? अभी भी मेरा मस्तिष्क झनझना रहा था, कोई उत्तर न दे सका मैं। मेरे साथ भोलाराम बाबा चलते चलते फिर बोले, कल रात तुम्हारे पास उसे बैठा देखकर एक बात मन में आई, बुरा न मानना, उस उन्मत्त भैरवी से कुछ बच करके रहने की चेष्टा करिएगा, बड़ी प्रबल शक्ति है उसके पास, किसी भी युवा पुरुष को देख लेती है तो उसे छोड़ती नहीं, फिर अपने मायाजाल में फंसाकर उसका पूरा पौरुष अपने में खींच लेती है वह। समझ गए ना बंधु, इस बार मैंने पूछा, वह कहां से आई है? 50 साल से बराबर इसी वगुरेश्वर में देख रहा हूं मैं। भोलाराम बाबा बोले, कोई अंतर नहीं आया अब तक इतने लंबे समय के बीच उसके रूप रंग और शरीर में, जैसी आई थी वैसी ही है अभी भी। थोड़ा रुककर वह आगे बोले, सुना है पहले असम में ब्रह्मपुत्र के किसी श्मशान में रहती थी वह, उसका गुरु कोई तिब्बती लामा तांत्रिक था, उसी की भैरवी थी वह। अपने लामा तांत्रिक गुरु से उसने कई प्रकार की दुर्लभ तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त की हैं, ऐसा सुना है मैंने। ये सब सुनकर स्तब्ध और अवाक रह गया मैं, कहीं ये भैरवी ही नागगंधा तो नहीं है जिसकी खोज में इतनी दूर से चलकर आया हूं मैं। आपको ये सब कैसे मालूम हुआ? अरे भाई, तांत्रिक हूं ना, इसलिए यहां आने वाले तंत्र साधकों और भैरवियों की भी खोज खबर रखनी पड़ती है, न रखूं तो आपस में मेलजोल कैसे बढ़ेगा? भोलाराम बाबा थोड़ा सहिष्णु होकर बोले, तब तो आपको भैरवी का नाम भी मालूम होगा, क्यों नहीं, क्या नाम है उसका? नागगंधा। भोलाराम बाबा के मुंह से नागगंधा शब्द सुनते ही मेरे सारे शरीर में बिजली सी दौड़ गई एक बारगी, झंझना उठा पूरा शरीर, कुछ क्षण के लिए शून्य अवसन्न हो गया जैसे पूरा मस्तिष्क, विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह रमणी शव साधिका नागगंधा होगी, लेकिन विश्वास करना पड़ा मुझे। निश्चय ही तिब्बत के महातांत्रिक लामा मिलरेप की शिष्या नागगंधा ही थी वह भैरवी, इसमें संदेह नहीं। भोलाराम बाबा का साथ छोड़कर पलटा और लगभग दौड़ता हुआ उस पेड़ के पास पहुंचा जहां अभी भी भैरवी पूर्ववत बैठी मदिरापान कर रही थी और बीच बीच में आकाश की ओर भी देख लेती थी। वह रहस्यमयी नीलवर्णा युवती धीरे धीरे बोल रही थी कुछ, मुझे देखकर एक बार जोर से अट्टहास करती हुई हंसी, नशे के कारण तमतमा रहा था चेहरा उसका उस समय। हंसी थमने पर बोली, खोज पूरी हो गई ना, बोल क्या चाहता है तू नागगंधा से? कुछ बोला न गया मुझसे, कुछ कहा भी न गया मुझसे, भैरवी की ओर देखता रहा मैं मुंह बाएं। थोड़ा थमकर भैरवी फिर बोलने लगी, स्वर्णा ने हिमसमाधि ले ली और उसका पुत्र रत्नकल्प अपनी मां की समाधि के निकट रहकर योग साधना कर रहा है, वाराणसी में अवश्य तुमसे मिलने आएगा एक न एक दिन। मौन सुनता रहा मैं। नीलवर्णा सुंदरी मेरी ओर निर्निमेश दृष्टि से देख रही थी उस समय। पहली बार मेरे मन में उठा, कौन है यह रमणी? निश्चय ही इस जगत की नहीं है यह। फिर सांझ घिरने लगी थी, सूर्य कभी का अस्त हो गया था, खेतों के बाद जंगल था, वहां हुआ हुआ करने लगे थे सियारों के झुंड और उनके साथ नदी के पार कुत्ते भी भौंकने लगे थे। धीरे धीरे भयप्रद होता जा रहा था चारों तरफ का वातावरण। मेरी खोज पूरी हो गई थी, नागगंधा भी भैरवी के रूप में मिल गई थी, स्वर्णा का भी समाचार अनायास मिल गया था, रत्नकल्प वाराणसी में कभी मिलने आएगा मुझसे इसकी भी जानकारी हो गई थी। सोचने लगा, अब क्या वापस लौट जाऊं? हां, यही ठीक रहेगा, भोर में मां की आरती का दर्शन कर निकल जाऊंगा इस महाश्मशान की भूमि के बाहर। क्या दूसरे दिन मां दर्शन कर सका, क्या मां की आरती देख सका और क्या वक्रेश्वर के बाहर जा सका घर वापस लौटने के लिए? नहीं, अभी तो मुझे नागगंधा की तांत्रिक सिद्धि का चमत्कार जो देखना था। नागगंधा का दिव्य रूप देखते ही देखते घोर तिमिरा छन्न वातावरण सुनहले प्रकाश से भर गया और उसी के साथ बदल गई वहां की भौगोलिक स्थिति भी। न नदी थी, न खेत थे, न जंगल था और न था वह वृक्ष जिसके तले भैरवी बैठी थी। अब तो और ही कुछ था, चारों ओर हिमाच्छादित उत्तुंग हिम शिखर थे जो सुनहले प्रकाश से चमक रहे थे और उन हिम पर्वतों से घिरी हुई एक विस्तृत घाटी थी जिसकी भूमि चांदी की तरह चमक रही थी। वातावरण में शांति का साम्राज्य था। घाटी के एक ओर ऊंचे, दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो देखी है तो अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दें और हमारी मेहनत के लिए आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी सिटी का नाम भी लिख दें। धन्यवाद।